खबरें विस्तार से। भालूबासा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले भागीदार युवक को पुलिस तलाश कर रही है। मामला सीताराम डेरा थाना में दर्ज कर दिया गया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा में भागीदार युवक पप्पू द्वारा मकान मालिक की 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पप्पू फरार बताया जा रहा है। इन लोग का कहना है कि मेरे बेटी 6 बजे अकेले घर में मैंने पढ़ रही थी, अच्छा है ना। उसके बाद में भाड़ेदार वो बच्ची को अपने बाला पुछला कर साथ में गलत करने की हरकत करने की कोशिश करने लगा। अच्छा हाँ, और उससे तो आगे हम नई जानकारी हमको मैंने तो फिर चिल्लाई उलाई तो हाँ वो मैं उन लोग का कहना है कि हल्ला करने पर मतलब भागने लगी लड़की तो। अच्छा लड़का भागने लगा ना। हाँ अच्छा, कहाँ का मामला है ये? ये मामला तो आपको भालूबासा लाइन नंबर 5 के शीतला मंदिर। अच्छा, और क्या नाम है भाड़ेदार का? भाड़ेदार का है ये आपको पप्पू नाम का है। पार्डी स्थित इंदिरा कॉलोनी में शनिवार की सुबह स्नान करने गई एक महिला पर हमला कर हाथी ने घायल कर दिया। जंगली हाथियों के कहर से ग्रामीण त्रस्त है। शनिवार की तड़के नदी में स्नान करने गई पार्डी इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली सरस्वती देवी नामक महिला पर जंगली हाथी ने हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। घटना से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। कौन थाना पड़ेगा? MGM पड़ेगा कि मानगो थाना? मानगो थाना। क्या हुआ था बताइए तो? क्या कर क्या करने का था? अच्छा फिर कितना था? एक था। एक था। बड़ो यार भाभी ने खाना ही पहने ऐसी गरम करी पड़ेगी तो नहाने के लिए झरना है हम लोग का वहीं पर ही जंगल का किनारे, तो वहीं नहाने गई थी। नहाने जाके और लेटरिन करने ऊपर तरफ थोड़ा गई थी तो वहीं पर ही हाथी मिला तो हाथी हमला कर। कितना हाथी आया था? हाथी एक ही आती है, हमेशा उस क्षेत्र में हाथी आते रहते हैं। हाथी हमेशा है, अभी भी है, वही अभी भी है। वन विभाग के कुछ अधिकारी कुछ नहीं करते। डुमरिया में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सुरेंद्र सरदार को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। डुमरिया हलिया टोला नामक गांव में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र सरदार को जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने दोषी पाते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद ने बताया। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में इस शहर के सबसे महत्वपूर्ण कांड का फैसला आया है। इसमें एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार किया गया था। डुमरिया थाना के अंतर्गत पड़ता है। यह घटना 2 और 3 जुलाई के बीच की रात की है, 2015। अभियुक्त उस छोटी बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। आरोप गठन के बाद लगभग 2.5 महीने के अंदर इसमें फैसला आया है। इसमें भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न सजा दी गई है, लेकिन जो अधिकतम सजा है वह 376 सब क्लॉज 2 I के अंतर्गत जीवन पर्यंत मृत्यु की सजा अभियुक्त को सुनाई गई है। जिसको प्रबंधन द्वारा सप्ताह में एक दिन दफ्तर पैदल आने के आग्रह को कर्मियों ने लगातार दूसरे शनिवार को भी अपनाया। इस दौरान जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने भी कर्मियों का साथ दिया। उत्तम स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, शहर में ट्रैफिक का दबाव कम, इसके कई फायदे दिखे। जिसको कर्मियों ने पिछले शनिवार को साक्षी में एकजुट होकर कार्यालय तक का सफर पैदल तय किया था। इस बार कदमा क्षेत्र से सभी पैदल ही कार्यालय पहुंचे। जिसको के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा, जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे व अन्य मौजूद थे। हालांकि प्रबंधन की ओर से पैदल कार्यालय आने को अनिवार्य नहीं बताया गया है, पर कर्मियों ने सप्ताह में एक दिन पैदल कार्यालय आने के आग्रह का स्वागत किया।
जो अन्य प्रतिष्ठानों एवं कंपनियों के लिए एक उदाहरण बन गया है। और आगे थोड़ा कीजिए ना, और आगे। देखिए आज के समय में जो गाड़ियां बढ़ते जा रही है, जो पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए ये उसके हित में कि मैंने लोगों को ये जागरूकता एक अभियान फैलाया जा रहा है कि सभी लोग स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये अपने फायदा होगा। एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा नंबर हम अगर एक दिन शनिवार को भी अगर या अपने अपने दिन के अनुसार अगर एक दिन अगर चुन लें और लोग गाड़ियाँ नहीं चलाए तो लोगों को आप जानते हैं कितना इस सेहत पर असर पड़ता है। ये बॉम्बे में जो अच्छा डिसीजन है इसमें लागू करें, और ये केवल इम्प्लाई ही नहीं दूसरों के वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कार में आप तीन चार फ्रेंड्स मिलके आ सकते हैं, ये तीन चार छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कार्बन फुटप्रिंट आपको कम करना है। तो एमिशन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा, एट द सेम टाइम ट्रैफिक कम हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और पूरा विश्व इसी की तरफ आज बढ़ रहा है कि कैसे ये सब किया जाए। दूसरा है कि अगले जो सैटरडे रहेगा उसमें हम लोग सब साइकिल से आएंगे, हम लोग सब अपना अपना एक साइकिल ले लेंगे और एक कोई दूसरे छोर को पकड़ेंगे और वो दिन हम लोग सब लोग साइकिल से आएंगे। मैं यहाँ पर और बड़ा शब्द बोलना चाहूँगा, रघुनाथ पांडे जी से रिक्वेस्ट करूँगा। वहीं दूसरी ओर जिसको श्रमिक यूनियन में अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने सेवानिवृत्त कर्मी को सम्मानित किया, साथ ही न्यूज टाइम से वार्ता में उन्होंने कहा कि विज रिवीजन ग्रेड मैपिंग एरियर एक उपलब्धि है और कर्मचारियों की लंबित मांगे पूरी हुई है, इसका श्रेय सभी को जाता है। हर महीना जो भी सेवानिवृत्त होते हैं जिसको के कर्मचारी भाई उनको बुला के सम्मानित करते हैं और उनका फेयरवेल देते हैं, तो ये नहीं आ पाए थे उस दिन, तो ये बचे हुए थे तो इनको बुलाकर हम लोगों ने इनका यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। आज जो कमेटी मीटिंग था, क्या आज किस बात को चर्चा हुई? देखिए चर्चा अब जो होगा ना वो छोटे मोटे पॉइंट आएंगे, क्योंकि जितना भी बड़ा पॉइंट था वो सब निकल गया। ग्रेड रिविजन हो गया, उनका तीन बार में एरियर मिलेगा, इस महीना में फिटमेंट होने जा रहा है, और जो तीन बार में मई अगस्त और नवंबर मिलेगा। भूमि विवाद को लेकर बीती रात गम्हरिया के सालडी बस्ती में बाइक सवार बदमाशों ने 60 वर्षीय दशमत टुडू की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गम्हरिया थाना अंतर्गत सालडी बस्ती की है। बाइक पर आए हमलावर युवकों ने दशमत टुडू को सरेआम गोली मार दी। लोगों ने उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि भूमि खरीद बिक्री को लेकर चल रहे विवाद ही हत्या की मुख्य वजह है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरा हुआ था चाचा, उसको हम लोग जल्दी हॉस्पिटल में ले आए। क्या एक्सीडेंट हुआ या गोली? ना ना, गोली चला, गोली चली, गोली चला। कितना गोली लगा? एक गोली लगा। नाम पता कुछ नहीं मालूम, कहाँ पे गिरा हुआ था ये? नाम है उसका। क्या नाम है? दशमत टुडू। अच्छा, कहाँ पे गिरा हुआ था ये? ये साल्डी गमरिया। इको सेंसिटिव जोन को लेकर शनिवार को उपायुक्त ने विधायक, सांसद तथा वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों के अलावा विधायक रामचंद्र सईस और सांसद विद्युत वरण महतो के साथ बैठक की। बैठक में इको सेंसिटिव जोन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि लोगों में सेंसिटिव जोन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने पर आम सहमति बनी। इको सेंसिटिव जोन को लेकर लोग दहशत में है कि लोग भ्रमक फैलाया गया कि सबको विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो अभी इसके लिए हम तो पार्लियामेंट में भी इसको उठाया कि आदमी का क्या होगा, तो उसमें मंत्री बोला कि ना ऐसा कुछ भी बात नहीं है, लेकिन इको सेंसिटिव जोन के अंदर में वो कोई भी ईंट भट्टा से लेकर करसार कुछ नहीं कर सकता है। अभी इसका अधिसूचना में जो 5 नंबर है, 5 नंबर थोड़ा गलत है।
इसमें लिखा कि पक्का मकान नहीं बन सकता, रोड कंक्रीट नहीं बन सकता, इस तो इसका 85 और लगभग 136 गांव इसका रोड रास्ता से सुधर रहेगा और पक्का मकान नहीं बना पाएगा। तो हमने कहा कि इसको रद्द करो, इस नियम को हटाओ, 5 नंबर आदमी रोड भी बने मकान भी बने, जंगल आदमी जंगल में कैसे रहे। और कच्चा मकान में अभी तो हाल ही में देखे आप मिर्जाड़ी में करीब 5-7 घर को तोड़ दिया हाथी, तो हाथी जब पूरा सेंटर बन जाएगा, एक्चुअली नोटिफिकेशन 1976 में था, इसके बाद ये 85 गांव था, इसके बाद सराउंडिंग एरिया जो है, फिर 2012 में एक नोटिफिकेशन हुआ उसमें लगभग 51 गांव को लिया गया, इसीलिए टोटल 136 गांव। तो हमने कहा कि मकान में किसी जगह ऐसे फटाका नहीं फोड़ेगा, अब शादी होगा तो फटका फोड़वे करेगा, तो हम ये सब बंदिश नहीं होना चाहिए। आदमी जो एक सामाजिक प्राणी है और उसका दायरे में जैसे दूसरे को लाभ पहुँचता है उसको मिलना चाहिए, इसमें कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यथास्थिति बना रहेगा। जहाँ तक प्रदूषण नियंत्रण की बात है, अगर उसमें फॉरेस्ट इस चीज़ को सेव करना चाहते हैं या वन्य प्राणी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसमें किसी तरह का हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानव जीवन पर किसी तरह जो आघात पहुँचे